ई रिक्शे ने शहर में यातायात व्यवस्था को तो चौपट किया ही है, तो वहीं बिजली विभाग को भी करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। हजारों में चलने वाले रिक्शा बिजली विभाग में एक भी कमर्शियल कनेक्शन धारक नहीं है, जिससे बिजली विभाग ये मानकर चल रहा है कि ये सब कटिया डालकर ई रिक्शा को चार्ज करते हैं। यही नहीं, दो ई रिक्शा चालकों की कटिया डालने के दौरान मौत भी हो चुकी है। शहर में करीब 12,000 से अधिक ई रिक्शा सड़कों पर फराटे भर रहे हैं, जिनमें करीब 6,000 पुराने मॉडल के हैं, जो चार्ज होने में नए मॉडल की अपेक्षा कई गुना ज्यादा बिजली की खपत करते हैं। यानी पुराने मॉडल का एक ई रिक्शा दिन भर में करीब 20 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करता है, जिससे इनकी आधी कमाई बिजली के बिल जमा करने में जा सकती है। ऐसे में ये ई रिक्शा चालक कटिया का ही सहारा लेते हैं और महीनों में करोड़ों का बिजली विभाग को चूना लगा रहे हैं। तो वहीं इस पर केस्को विभाग का कहना है कि जानकारी मिल रही है कि रिक्शा वाले कटिया डालकर बिजली की चोरी कर रहे हैं, कुछ घरेलू कनेक्शन पर चार्ज करते हैं, लेकिन दोनों ही स्थिति में बिजली चोरी हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 2.5 करोड़ की बिजली चोरी ये ई रिक्शा वाले एक माह में कर रहे हैं। विभाग में अब तक किसी ई रिक्शा वाले ने कमर्शियल कनेक्शन लेने की आवेदन नहीं किया है। इसके खिलाफ जल्द ही अभियान चलाकर वसूली की जाएगी और उचित कार्रवाई केस्को के द्वारा की जाएगी। इसमें हमारी रेड टीम लगातार जहाँ भी सूचना मिलती है कि ई रिक्शा चार्जिंग हो रही है, उन पर क्या छापामारी करती है। इस संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि केस्को के आलू मंडी डिवीज़न, फूलबाग डिवीज़न और जरीब चौकी डिवीजन्स में कई बार उन्होंने ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट्स पर जाकर कार्रवाई की है, छापेमारी की है और उनके खिलाफ 135 में धारा 135 में FIR भी दर्ज की गई है। लेकिन अभी तक इस स्टेज पर कोई काम नहीं हुआ, ना ही नगर निगम की तरफ से, ना ही KDA की तरफ से, कि कहीं इस तरह से चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएं जहां पर ई रिक्शा जो है सुलभ तरीके से चार्जिंग हो जाए। हैं वैसे तो यदि कोई व्यक्तिगत तौर पर यदि ई रिक्शा चार्जिंग करने के लिए अपना स्टेशन बनाना चाहे तो उसके लिए अपना स्वतः का एक जो परिसर है उस परिसर पर रखा LMB2 कॉमर्शियल में का कनेक्शन ले सकता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल चार्जिंग करने के लिए अलग से कनेक्शन ले सकता है वो। इस मामले में केस्को की तरफ से हम यही एक अनुरोध करना चाहेंगे कि ई रिक्शा चालक अपने स्तर से किसी भी तरह से अवैध तरीके से चार्जिंग ना करें। उनसे अनुरोध यही है कि वो कनेक्शन लेके, प्रॉपर कनेक्शन लेके चार्जिंग कराएं, जिससे कि उनको किसी तरह की FIR किसी लीगल विधिक राय में फंसने से गुंजाइश ना रहे।